श्रीकांत सोनी। आपको बता दें, इन्होंने रामायण में विश्वामित्र जी का किरदार निभाया था और हाल ही में 63 वर्ष के हो चुके हैं दोस्तों श्रीकांत सोनी। रमेश गोयल। आपको बता दें, इन्होंने रामायण में मारिच जी का किरदार निभाया था और हाल ही में 79 वर्ष के हो चुके हैं दोस्तों रमेश गोयल। श्याम सुंदर कलानी। आपको बता दें, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इन्होंने रामायण में सुग्रीव जी का किरदार निभाया था और मृत्यु के समय दोस्तों 81 वर्ष के थे श्याम सुंदर कलानी। दीपिका चीखलिया। आपको बता दें, इन्होंने रामायण में माता सीता का किरदार निभाया था और हाल ही में इनकी उम्र हो चुकी है दोस्तों 58 वर्ष दीपिका चीखलिया की। अरुण गोविल। आपको बता दें, इन्होंने रामायण में श्री राम जी का किरदार निभाया और हाल ही में 66 वर्ष के हो चुके हैं दोस्तों अरुण गोविल। सुनील लहरी। आपको बता दें, इन्होंने रामायण में लक्ष्मण जी का किरदार निभाया था और हाल ही में 63 वर्ष के हो चुके हैं दोस्तों सुनील लहरी। ननिल दावी। आपको बता दें, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इन्होंने रामायण में कुंभकर्ण जी का किरदार निभाया था और मृत्यु के समय दोस्तों 51 वर्ष के थे ननिल दावी। सपिल जोशी। आपको बता दें, इन्होंने रामायण में खुश जी का किरदार निभाया था और हाल ही में इनकी उम्र हो चुकी है दोस्तों 46 वर्ष सपिल जोशी की। रजनी बाला। आपको बता दें, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इन्होंने रामायण में सुमित्रा जी का किरदार निभाया था और मृत्यु के समय दोस्तों इनकी उम्र थी 37 वर्ष। ललिता पंवार। आपको बता दें, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इन्होंने रामायण में मंथरा जी का किरदार निभाया था और मृत्यु के समय उम्र थी इनकी 83 वर्ष ललिता पंवार की। सुलक्षणा खत्री। आपको बता दें, इन्होंने रामायण में मंदाविनी जी का किरदार निभाया था और हाल ही में 62 वर्ष की हो चुकी हैं सुलक्षणा खत्री। चंद्रशेखर। आपको बता दें, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इन्होंने रामायण में सुमंत जी का किरदार निभाया था और मृत्यु के समय 98 वर्ष के थे दोस्तों चंद्रशेखर। सुधीर दालवी। आपको बता दें, इन्होंने रामायण में वेद व्यास जी का किरदार निभाया था और हाल ही में इनकी उम्र हो चुकी है दोस्तों 84 वर्ष सुधीर दालवी की। अंजलि व्यास। आपको बता दें, इन्होंने रामायण में उर्मिले जी का किरदार निभाया और हाल ही में 45 वर्ष की हो चुकी हैं दोस्तों अंजलि व्यास। मुकेश रावल। आपको बता दें, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इन्होंने रामायण में विभीषण जी का किरदार निभाया था और मृत्यु के समय दोस्तों 65 वर्ष के थे मुकेश रावल। विजय कवीश। आपको बता दें, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इन्होंने रामायण में भगवान शिव का किरदार निभाया था और मृत्यु के समय दोस्तों 89 वर्ष के थे विजय कवीश। जय श्री गडगर। आपको बता दें, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इन्होंने रामायण में कौशल्या जी का किरदार निभाया था और मृत्यु के समय दोस्तों 67 वर्ष की थी जय श्री गडगर। बाल दुलारी। आपको बता दें, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इन्होंने रामायण में राजा दशरथ जी का किरदार निभाया था और मृत्यु के समय दोस्तों उम्र थी इनकी 75 वर्ष। पद्मा खन्ना। आपको बता दें, पद्मा खन्ना रामायण में इन्होंने केकई जी का रोल निभाया था और हाल ही में 73 वर्ष की हो चुकी हैं दोस्तों पद्मा खन्ना। विजय अरोड़ा। आपको बता दें, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इन्होंने रामायण में मेघनाथ जी का किरदार निभाया था और मृत्यु के समय 75 वर्ष के थे दोस्तों विजय अरोड़ा। संजय जोग। आपको बता दें, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इन्होंने रामायण में भरत जी का किरदार निभाया था और मृत्यु के समय दोस्तों 41 वर्ष के थे संजय जोग। मूलराज राजदा। आपको बता दें, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इन्होंने रामायण में राजा जनक जी का किरदार निभाया था और मृत्यु के समय 80 वर्ष के थे मूलराज राजदा। मयूर सेत्रावंदी। दोस्तों, आपको बता दें, मयूर सेत्रावंदी ने रामायण में लव का किरदार निभाया था और हाल ही में 46 वर्ष के हो चुके हैं दोस्तों
मयूर सेत्राबंदी, अरविंद त्रिवेदी। आपको बता दें इनकी मृत्यु हो चुकी है। इन्होंने रामायण में रावण जी का किरदार निभाया था और मृत्यु के समय दोस्तों 83 वर्ष के थे अरविंद त्रिवेदी। समीर राजदा, दोस्तों आपको बता दें इन्होंने रामायण में शत्रुघ्न जी का किरदार निभाया था और हाल ही में 60 वर्ष के हो चुके हैं दोस्तों समीर राजदा। दारा सिंह, आपको बता दें दारा सिंह ने रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाया था और ये पहले ऐसे दिखते थे और इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये मृत्यु के समय दोस्तों 84 वर्ष के थे दारा सिंह।